देश के प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनता से साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की अपील की जा रही है। इसी अभियान को लेकर स्कूली छात्र खासे गंभीर नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा न सिर्फ कॉलेज की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना अहम योगदान देकर जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। स्कूली छात्रों की अगर माने तो आवाम को भी जागरूकता अभियान से जोड़कर इस विशेष अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि माहौल को स्वच्छ और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जा सके। मुख्यालय के मुकुंदलाल इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा विद्यालय परिसर में अब तक तमाम किस्म के 1500 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनका बेहतर रखरखाव करने के साथ ही पर्यावरण को संतुलित रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत जनपद की जनता को स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का सीधा संदेश दिया जा रहा है। और हमारी पर्यावरण की टीम है, जो हम लोग प्रतिदिन पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ बनाने के लिए जो हमारा सर होते हैं हम वो काम कार्य करते हैं, और पेड़ पौधे कटिंग बेकार की होती है हम उसको काट के साफ करके किसी खराब जगह में सुखाने के लिए डाल देते हैं, बाद में चला देते हैं, और इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। हमारे पेड़ पौधों के लिए ये कटिंग जो बेकार के जो पौधे होते हैं ये कटना जरूरी है, जैसे चारा वगैरह ये लड़ी वगैरह ये कटना जरूरी है, और फालतू की बेकार के ये चारा वगैरह ये कट जाए तो अच्छा। इसके पूर्व मैं उत्तराखंड में था, तो वहाँ पर्यावरण का बहुत अच्छा काम किया है, और यहाँ भी कोशिश ये रही है। पिछले 8 साल में मैंने कम से कम 1500 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं विभिन्न प्रजातियों के, चाहे वो फलदार हो, चाहे छायादार हो, और चाहे विभिन्न प्रकार के और अन्य पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज महुआ में एक पर्यावरण की टीम बना रखी है, बच्चों के सहयोग से, राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उनके सहयोग से यहाँ संरक्षण का काम होता रहा है। प्रतिदिन पानी देने का काम 8वें या 9वें पीरियड में जो नियत समय पर दिया जाता है, और शासन के निर्देश हैं कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कैसे किया जाए, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराने का, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे पोस्टर प्रतियोगिता या अथवा भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, तो इस माध्यम से हम अपने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से छात्रों को जागृत करते रहते हैं, ताकि हमारे बुंदेलखंड में जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस गर्मी को कैसे शांत किया जाए और पर्यावरणीय विनाश को कैसे रोका जा सके, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।